नमस्कार दोस्तों, मैं मोनी कुमारी आपके लिए अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इन अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आइए आज हम देखते हैं। मैं 250 ग्राम अरबी ली हूँ, जिसे छिल के अच्छे से धो के रखी हूँ। खटाई अगर आपके पास अमचूर पाउडर तो आप अमचूर पाउडर दे सकते हैं, नहीं तो खटाई को पानी पर कुछ देर तक फूलने दीजिए, फिर मसाले के साथ इसे पीसने में पीस देंगे। टमाटर, एक बड़े टमाटर छोटे छोटे चॉप किए हुए, 10-12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 2 लाल मिर्च, 2 चम्मच सरसों, 1 चम्मच पोस्तुदाना, हींग, नमक, हल्दी, जीरा, मेथी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब हम लोग बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग मसाला रेडी कर लें। मिक्सी ग्राइंडर में पहले मसाला को ग्राइंड कर लेंगे। सारे मसाले डाल दूँ इसके अंदर। थोड़ा सा इसमें जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च तो मैं दे ही चुकी हूँ, और अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। बीच बीच में इसको चला के देखेंगे कि मसाला पिसाया कि नहीं पिसाया। मुझे लग रहा है कि अब मेरा मसाला पिसा चुका है, तो उसे मैं बंद कर देती हूँ। अब मैं मसाला निकाल के रेडी, मसाला मेरा रेडी हो गया। अब मैं कढ़ाई गरम होने देती हूँ। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा ही देंगे, सरसों का तेल, क्योंकि पहले हमें इस अरबी को थोड़ा भूंज के निकाल लेंगे। मसाला तो ढक दें जिससे इसकी खुशबू बाहर ना निकले। मेरा तेल गरम हो गया है, इसमें मैं अरबी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा अच्छी तरह से भून लें। घर की गैस के चूल्हे पर रखने से हमारा गैस को चूल्हा गंदा हो सकता है, इसलिए इसे जब चलाने के बाद हमेशा कुछ प्लेट का आपको बर्तन कर रखें, जिससे आपका गैस का चूल्हा गंदा ना हो। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, इसके बाद अच्छी तरह से चलाते हैं। इसको ढकेंगे नहीं, क्योंकि ये मसाला जब हम भूजेंगे उसके बाद जब पानी डाल करेंगे तो फिर ये अच्छी तरीके से भून जाएगा। इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे जिससे ये नीचे फटे नहीं और ये अच्छी तरीके से भूना जाए। फ्राई हो गया थोड़ी सी, इसे ज़्यादा नहीं, हल्का फ्राई करके इसे निकाल लेंगे प्लेट में। और इसी कढ़ाई में मैं फिर थोड़ा सा तेल डालूंगी। तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैं मेथी दाना दूंगी। तेल मेरा गर्म हो गया है, देखिए चटकने लगा है मेथी। मेथी जो हल्का चटकने लगे
सो इसमें मैं टमाटर डालूंगी। उसके बाद इसमें मसाला डाल देंगे। और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। फिर इसे अच्छे तरीके से भूनते रहें, ढक ढक के हमें भूनना है। मसाला जितना भून जाता है दोस्तों स्वाद आती है, तो जितना भून जाएगा उतना अच्छा लगेगा। हमें बीच बीच में मसाला चलाते रहना है जिससे सटे नहीं, जले नहीं, और इसे हम धीमे आँच में ही भूनना है। ये 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में आपका मसाला भून जा के रेडी हो जाएगा। देखिए मेरा मसाला भुजाने लगा है, बस और 5 मिनट में ये मसाला भुजा के रेडी हो जाएगा। दोस्तों इसमें अब स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसमें हम हींग डालेंगे। शुरू में नहीं देते हैं कि थोड़ा सा जल जाएगा, और बाद में देने से थोड़ा सा स्वाद खुल के आता है, अच्छा लगता है। दोस्तों देखिए मसाला हमारा भुना चला, मसाला भुजा गया। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम? अगर मसाले में तेल तेल निकलने लगे, छोड़ने लगे, तो हम समझ जाते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से भुना गया है। देखिए तेल मसाले से निकलने लगा है, हम समझ रहे हैं मसाला अब भुजा गया। दूसरी तरफ मैं पानी गर्म करने के बैठा दे रही हूँ, जिससे स्वाद गर्म पानी करके डालने से स्वाद अच्छा लगता है। एक कच्चा पानी का अपना अलग स्वाद रहता है, एक गर्म पानी करके डालने से अच्छा स्वाद लगता है। इसीलिए मैं जब भी कोई रसेदार सब्जी बनाती हूँ तो उसमें गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं मसाला का थोड़ा देर और भून लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे कलर आने लगे हैं मसाले से। पानी डालने से पहले मैं थोड़ा पहले इसको डालूंगी जिससे ये मसाला में अच्छे तरीके से मिल जाए। ये भी मसाले के साथ अच्छी तरीके से भुना जाए जिससे उसके साथ और भी बढ़िया लगे। और फिर मैं गर्म पानी डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, जितना आपको रखना हो ग्रेवी उतना ही पानी डालें। लेकिन पहले पहले थोड़ा सा डाल के मसाले को अच्छी तरीके से मिला लें। इसमें थोड़ा सा और पानी में डालूँ, जितना आपको ग्रेवी रखना हो उतना पानी आप डालें।
खोल ले लो। जब फुल आँच में खोल जाए तो इसे 5 मिनट के लिए धीमी आँच में छोड़ दें, जिससे अरबी अच्छी तरह पक जाए और फिर फुल आँच में इसे पकने के लिए दे देंगे। जब ये खोलने लगेगा तो मैं इसे धीमी आँच कर दूँगी और धीमी आँच में 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हम देखेंगे कि हमारा पकौड़ी देखिए खोलने लगा है ना, इसे अच्छे तरीके से कितने बढ़िया से खोलने लगा है। और इसे अच्छे तरीके से ढक के ढक दूँगी। ढकने के बाद इसे मीडियम आँच में 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे मसाला और अरबी अच्छी तरीके से घुल जाए और अरबी भी अच्छी तरीके से पक जाए। 5 मिनट हो गया है, इसे मैं एक बार चला के फिर बंद कर देती हूँ। कितने अच्छे कलर आए हैं, कितने अच्छे ग्रेवी। अगर आपको गाढ़ा ग्रेवी, पतला ग्रेवी चाहिए, जैसा ग्रेवी चाहिए आप, पतला या गाढ़ा, उस हिसाब से आप अपना पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरा रेडी है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। दोस्तों इस रेसिपी को आप खाइए, टेस्ट कीजिए और रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।